Good morning, dear children and dear parents. See, this is your language worksheet. Parents, यहाँ आपको help करनी है. First, we will read the instructions. Read the sentences and match them to the correct pictures. Say something about your favorite sports personality. इसमें क्या करना है पता है? Sentence पहले read करने हैं. उससे related pictures से आपको मैचिंग करनी है और आपको आपके फेवरेट स्पोर्ट के बारे में फेवरेट स्पोर्ट पर्सनालिटी यानी जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हो ना उसके बारे में आपको बात करनी है एक दो सेंटेंस बोलने हैं ठीक है पेरेंट्स यहाँ है ना सेंटेंस जब बच्चे बोलेंगे तब आप बच्चों से पूछ लीजिएगा क्योंकि ऐसी वाली चीजें तो ऑक्टोपोड पर सबमिट नहीं होंगी सिर्फ मैचिंग करके आपको वो वाली वर्कशीट ऑक्टोपोड में सबमिट करनी है लेकिन आप उनसे बुलवाइएगा जरूर ताकि उनको है ना ये जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो उनको क्लियर हो जैसे मैं सब एक बार आपको मैच करके शो कर देती हूँ ठीक है धनराज पिल्लई प्लेज हॉकी तो बच्चों को खुद ही आप पिक्चर दिखाइए कि धनराज पिल्लई वो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है जो हॉकी खेलता है तो इसमें से हॉकी की पिक्चर कौन सी है तो बच्चे को पहले रिकॉग्नाइज करवाइए तो बच्चा मैच करेगा ये पढ़ना आपको पड़ेगा बच्चे के साथ ठीक है तो ऐसे मैच करवाइए सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जो फेमस क्रिकेट पर्सनालिटी है वो क्रिकेट खेलता है तो उसको बताइए क्रिकेट गेम इसमें से कौन सा है तो बच्चा खुद बताएगा बैट और बॉल के सामने इंडिकेट करके तो आपको उसको मैच करवाना है फर्नांडो एलोंसो इज अ रेस कार ड्राइवर ये कार कहाँ है रेसिंग वाली कार यहाँ तो इस सेंटेंस को आपको यहाँ मैच करवाना है ठीक है डेविड बेकहम प्लेज फुटबॉल तो आपको फुटबॉल का कहाँ है जो डेविड बेकहम फुटबॉलर है उसको वो वाले सेंटेंस को यहाँ फुटबॉल और गोल पोस्ट के पास मैच करवाना है ठीक है और उनके जो जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है जो उनके फेवरेट वाले उनके बारे में एक एक लाइन बुलवानी है जैसे मैं कह सकती हूँ महेंद्र सिंह धोनी इज माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर या सुनील छेत्री इज माय फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है ना ऐसे आप बच्चों से एक एक लाइन बुलवा सकते हो सबमिट द वर्कशीट इन ऑक्टोपोड